बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज क्लास सिक्स के लिए टॉपिक है मूसा अलैहिस कैमल, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो हम पढ़ रहे हैं मूसा अलैहिस कैमल। पहले भी हमने यही टॉपिक पढ़ा था, हम उसी टॉपिक को आगे लेके जा रहे हैं। तो बच्चों, एक पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा, आप अपनी किताब पर देखो, अपने अपनी किताबों पर देखो और सुनो। समा वाज वेरी क्यूरियस टू नो हु दिस मूसा अली वाज। हाउएवर, इट वाज ए ब्राइट संडे मॉर्निंग एंड सामा वाज वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैड नो अदर फ्रेंड्स एट नोब्रा। सामा एंड डोलमा आफ्टर इंजॉइंग गुरगुरटी एंड मुख मुख लेफ्ट फॉर मूसा अलीज होम। सामा वाज सरप्राइज टू सी द कैमल कॉफ इन द कंपनी ऑफ ए बॉय डिक्सिट। Dolma, pointing towards the boy, said, "Look, he is Musa Ali." After exchanging pleasantries, Dolma asked Musa Ali to tell them something about the Bactrian camel. Musa Ali asked them to accompany him along with his camel cough into the vicinity of his village district where a group of wild bacterium was present. तो बच्चों, हमने ये पैराग्राफ पढ़ा फ्रॉम चैप्टर मूसा अलीज कैमल, जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आगे इस पैराग्राफ को हम समझेंगे। सामा वाज वेरी क्यूरियस टू नो हु दिस मूसा अली वाज। सामा की ख्वाहिश थी, सामा को बहुत लालच थी, बहुत ख्वाहिश थी कि ये जानने की कि ये मूसा अली कौन था, क्योंकि डोलमा ने कहा था कि हम संडे के दिन मूसा अली से मिलेंगी और उससे हम बैक्टेरियन कैमल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अब सामा को इसी बात की ख्वाहिश थी कि ये मूसा अली से काम मिले, और इसीलिए वो ख्वाहिशमंद थी ये जानने के लिए कि मूसा अली कौन था। हाउएवर, इट वाज ए ब्राइट संडे मॉर्निंग एंड सामा वाज वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैड नो अदर फ्रेंड्स एट नोब्रा। बहरहाल संडे का दिन था, सुहाना मौसम था, सुबह का वक्त था, और सामा बहुत खुश थी क्योंकि उसको नोब्रा में कोई और दोस्त नहीं था। सामा एंड डोलमा आफ्टर इंजॉइंग गुरगुरटी एंड मुख मुख लेफ्ट फॉर मूसा अलीज होम। सामा और डोलमा ने लद्दाख की चाय पी ली और फिर वहाँ की मुख मुख वहाँ की नमकीन चीज़ें जो थी चीज़ वो भी खाई, और वो इसके बाद, इस एंजॉयमेंट के बाद, वो मूसा अली के घर की ओर चली। सामा वाज सरप्राइज टू सी द कैमल कॉफ इन द कंपनी ऑफ ए बॉय। सामा हैरान हो गई जब उसने एक ऊंट के बछड़े को एक लड़के के साथ देखा। डिक्सिट के साथ जब उसने ऊंट के बछड़े को देखा तो वो
हैरान हो गई। डोलमा पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉय सेड, उसने उस लड़के की तरफ इशारा किया और कहा, लुक ही इज मूसा अली, देखो वो मूसा अली है। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लीज एंट्रीज, डोलमा आस्क्ड मूसा अली टू टेल देम समथिंग अबाउट द बैक्टेरियन कैमल। थोड़ी देर उन्होंने इंजॉयमेंट किया, थोड़ी देर हंसी मजाक किया, फिर डोलमा ने मूसा अली को कहा कि हमें वो बैक्टेरियन ऊंट के बारे में कुछ बताए। मूसा अली आस्क्ड देम टू अकॉम्पनी हिम अलोंग विद हिज कैमल कॉफ इनटू द वेसिनिटी ऑफ हिज विलेज डिस्किट वेयर ए ग्रुप ऑफ वाइल्ड बैक्टेरियन वाज प्रेजेंट। मूसा अली ने उनसे कहा कि आप इसी बछड़े के साथ मेरे साथ हमारे गांव के करीब चलो डिस्किट में, तो वहाँ बहुत सारे बैक्टेरियन कैमल आपको मिलेंगे, वहाँ इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों ये पैराग्राफ आज हमने पढ़ा, तो इसमें जो न्यू वर्ड्स नए अल्फाज आए थे ये कल भी हमने पढ़े थे नए अल्फाज, आज इनको हम फिर से नजर देंगे। विसिनिटी करीब नजदीक, आपके इस पैराग्राफ में आया है विसिनिटी विलेज नजदीकी गांव। क्यूरियस हवाशमान हाउएवर बहरहाल, गुरगुर टी लद्दाख की चाय, मुखमुख नमकीन खाने की चीज, सरप्राइज हैरान, कॉफ ऊंट का बछड़ा, प्लीजेंट्री हंसी मजाक। तो बच्चों ये थे नए अल्फाज जो आपके पैराग्राफ में आए थे, आप इनको तैयार करना। तो बच्चों होमवर्क है आपके लिए, आप पूरे जो जो जितने ही हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है इसको और फिर से आप रिवाइज करें, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी याद करें। शुक्रिया।